तो वीडियो करते हैं पहले थोड़ा सा जूम। और ये रियलमी ने भेजा अपना एक छोटा सा कैरी बैग, और इस कैरी बैग के अंदर वही चीज़ देखने को मिल जाती है जो कि एक हफ्ते बाद लॉन्च होने वाला है ना रियलमी GT 6 20 जून को। वो चीज़ आपको आज ही दिखाऊंगा और इसमें काफ़ी सारे ए के फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। वैसे रियलमी GT सीरीज का एक फ़ोन कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ जिसका नाम है रियलमी GT 6T, लेकिन ये उसके बड़े वाला भाई है। जी हाँ, रियलमी GT 6T कई मामलों में कई यूजर्स की कई चीज़ें फिलअप नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये जरूर से जरूर फिलअप करेगा क्योंकि इस फोन में आपको देखने मिलेगा स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला प्रोसेसर। फोन का ऐसा देखने मिलता है। सब कुछ बात करते हैं तो सबसे पहले इस पे लिखा गया बी बैक, कोई बात नहीं, अभी इसको ओपन करते हैं। और इसको ओपन करने के बाद हमें देखने मिलता है ये न्यूज़पेपर, और ये तरीका मुझे काफ़ी प्रोफेशनल लगा यार। मतलब सभी यूट्यूबरों को न्यूज़पेपर दे दो और इस पे लिखा गया उसकी लॉन्च डेट। जी हाँ, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल लगा स्मार्टफोन को प्रमोट करने का। और यहाँ पे लिखा गया रियलमी टेक न्यूज़, और इसमें लिखी गई है रियलमी अनाउंस, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। इसको रखते हैं साइड में। और देखने मिलता है एक प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे फ्रेम, और यहाँ पे देखिए GT सीरीज का यहाँ पे एक केस है। और यहाँ पे देखिए जितने भी इनके GT सीरीज के फ़ोन लॉन्च हुए हैं सब यहाँ पे मेंशन है, और लॉन्च डेट भी यहाँ पे मेंशन है। और इसको रखते हैं साइड के अंदर। और इसके अंदर देखने मिलता है स्मार्टफोन। बेसिकली स्मार्टफोन तो स्मार्टफोन का बॉक्स भी है, लेकिन मैंने इसके अंदर रख दिया था। तो ये है आपका रियलमी GT 6 स्मार्टफोन। देखते हैं कुछ इस टाइप में देखने मिलता है। और रियलमी GT 6T है ना, उसी की तरह बिल्कुल आपको देखने मिलता है। थोड़े बहुत चेंज है, जैसे कि हाँ ग्लास आपको देखने मिलता है, हाथ में पकड़ने में काफ़ी प्रीमियम ये फील होने वाला है। और मुझे लगता है इसमें मल्टीपल कलर ऑप्शन लेके आए ना रियलमी वाले। 20 तारीख को लॉन्च होगा, जब पता लगेगा तो काफ़ी सही रहेगा। मैंने एक पोस्टर देखा था उसके अंदर ना काफ़ी सारे कलर यहाँ पे दिख रहे हैं, ब्लू कलर, रेड कलर। ब्लू और रेड वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर वो यहाँ पे लॉन्च करते तो काफ़ी सही रहेगा। अगर नहीं लॉन्च करते तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर कुछ दिनों बाद इसके और भी कलर ऑप्शन आपको देखने को मिले। और यहाँ पे देखते हैं 50 मेगापिक्सल लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और सेंसर बताऊँ कौन सा है, सोनी लाइटा 808 वाला आपको सेंसर देखने को मिलता है, जिससे आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फोटो ले सकते हो नाइट के अंदर। खासकर इसके कुछ कैमरा सैंपल आप देख सकते हैं, इसी फोन से ली गई है रियलमी GT 6T से। तो लो लाइट में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, और डे लाइट के भी सैंपल देखोगे ना काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको सैंपल निकाल के देते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इस फोन के अंदर काफ़ी सारे AI के फीचर भी देखने को मिलते हैं। तो पहला जो AI का फीचर है वो है AI स्मार्ट लूप का फीचर। जी हाँ, इसको सेटिंग में जाके स्पेशल फीचर के अंदर जाके इसको आपको अनेबल करना होता है। उसके बाद आपकी गैलरी के अंदर कोई भी फोटो पड़ी है, जैसे कि मेरी फोटो पड़ी है, उसको प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो वहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, जैसे कि ये पहले भी होता था। लेकिन AI स्मार्ट लूप को अनेबल करने के बाद ना इस फोटो को आप कहीं पर भी ड्रैग करोगे, किसी भी एज पे लेके जाओगे तो पहले तो एज ब्लिंक कर रही है, ये आप देख सकते हो। इंटरफेस काफ़ी सही लगा। और यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी ऐप में इसको ट्रांसफर कर सकते हो, इस फोटो को डायरेक्टली क्विकली हो जाएगा। मतलब आपको व्हाट्सएप पे किसी फोटो को ट्रांसफर करना है, बैकग्राउंड रिमूव करके ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफर करना है, जो भी ऐप यहाँ पे आपको शो करेंगे वहाँ पे आप कर सकते हो। और इन ऐप को आप चेंज भी कर सकते हो, जो आपके रेगुलर यूज में होते हैं ना उनको सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। जहाँ पे आप ज़्यादा ट्रांसफर करते हो फोटो, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और जो दूसरा AI का फीचर देखने को मिलता है उसका नाम है AI इरेजर का फीचर, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। पहले भी था इस फोन के अंदर, लेकिन अब AI के थ्रू दिया गया ना तो और भी अच्छी तरीके से वर्क करता है। किसी भी फोटो पे आप एड पे क्लिक करके AI इरेजर का एक ऑप्शन देखने मिलेगा। और यहाँ पे देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको रिमूव करना है तो उस पर आप ड्रॉ करोगे तो उस ऑब्जेक्ट को तो रिमूव करता है, एरिया को भी फिल कर देता है। लेकिन जब रिमूव करते हो तो वहाँ पे एनिमेशन देख सकते हो, कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की गई है और काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, शक नहीं होता। जी हाँ, और शक हो तो 2-3 बार ट्राई करोगे तो अच्छी तरीके से उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है AI के थ्रू। बट हाँ, इसके अंदर आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अब जो थर्ड AI का फीचर देखने को मिलता है वो है AI नाइट विजन मोड वाला फीचर। जी हाँ, आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो लो लाइट कंडीशन के अंदर तो वो AI के थ्रू और भी उसको ब्राइटर और अच्छी तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है AI के थ्रू। जी हाँ, जो कि अच्छे रिजल्ट आपको निकाल के देने वाला है लो लाइट के अंदर। और ये मुझे लगता है जो लो लाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल ये फीचर हो सकता है। वैसे तो ये स्मार्टफोन को यूज करते हैं मुझे और भी काफ़ी सारे AI के फीचर मिले, लेकिन एम्बार्गो के कारण मैं आज आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जब ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा जब पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। और इस फोन में इस बारी आपको देखने मिलेगा स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाला प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस है। अंततः स्कोर इसका 1.6 मिलियन के अराउंड देखने को मिल जाता है। और साथ में इस फोन के अंदर जो स्टोरेज टाइप है आपको UFS 4.0 की देखने को मिलेगी, और जो रैम टाइप है LPDDR5X की आपको देखने को मिलेगी। और साथ में इस फोन की जो बैटरी है 5000 mAh की नहीं भाई साहब 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जैसे कि रियलमी GT 6T में देखा था। और इस फोन में भी आपको देखने मिलेगा 120 वोट की फास्ट चार्जिंग। तो ये था इस स्मार्टफोन का कुल मिला के पैकेज, नहीं जो भी मेरे को बताना था अभी तक वो मैंने आपको बता दी। जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा तो पूरी अच्छी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कंपनी वालों का एम्बार्गो है तो सारी चीजें तो हम बता नहीं सकते, लेकिन आपको मैंने बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बता दी। जब ये फोन लॉन्च होता है सब कुछ बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। और जाते जाते लास्ट में बस यही आपसे पूछना चाहूंगा कि इस स्मार्टफोन की प्राइस आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं भी देखना चाहता हूँ यार क्या प्राइस आप सोच रहे हो। बाकी ये स्मार्टफोन लॉन्च होने जाने दो, देखते हैं रियलमी वाले क्या प्राइस रखते हैं। सही प्राइस पे आया तो काफी किलर डील बन सकती है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।